गाइस अभी मैं हो चुकी हूँ बहुत अच्छी तरीके से रेडी, सो लेट्स गो लेट्स गो राइट नाउ। और हाँ, अभी हम नाश्ता नहीं करने जा रहे, पहले हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे। अंचिका का आउटफिट, सबसे गंदी लड़की का आउटफिट, चलो ठीक है। और गाइस चलो पहले नाश्ता तो कर लेंगे, नहीं पहले जाएंगे मंदिर, ठीक है बाद नाश्ता होगा। नाश्ते में मेरा मन पेरी पेरी फ्राइज खाने का, बट पता नहीं वो मिलेंगी या नहीं। पापा कह रहे पोए चले भी आगे फेमस है, वो खाएंगे हम तो, देखते हैं वहाँ के क्या होता है। अरे आ रहे हैं। और ये है अम्मा का आउटफिट, और ये है मम्मा का साड़ी और आउटफिट। अनोखी गाना गा रही है, और गा कौन सा रही है। तुमने क्या खा लिया? वैसे अभी हम मंदिर जाएंगे, उसी के बाद हम कुछ खाएंगे। पापा हम पोए और जलेबी खाएंगे, पोए और जलेबी खाने वाले हैं। आ रही हूँ मैं। तो अभी हम पोए और जलेबी खाएंगे, और प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया, मम्मा नहीं खाएंगे क्योंकि मम्मा ने अभी तक जल नहीं चढ़ाया है। हेलो गाइस, ओके मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, वो अंचिका खाएगी जो ताकि पोए और जलेबी फेमस है, तो पोए और जलेबी ही खाते हैं। कचौड़ी के साथ सौंफ ले आना। जलेबी भी आ गई, ऐसी जलेबी अच्छी लगती है मुझको भी। ये जलेबी तो खा लो, नहीं पूरी खा लो, खा लो नहीं खा लो, मैं हाथ में लगा पा रहा हूँ, बहुत गर्म है। शेल्टर पहुंच चुके हैं और अभी हम जूते चप्पल पहनने जा रहे हैं। चलो सब आगे आगे भाग गए। गाइस मैं मंदिर तो हो गई, और अब ये देखो वाओ, बहुत ब्यूटीफुल है। चलो अब उधर से पूरा चक्कर लगा के आ गया। घूमने की मना करती, पूरा घूमते दो मुझे, आपको कौन भी पूछे आ जाता। अरे मम्मी मैं साइड से दो, अब तेरा नंबर है किनारे से, आप तेरे से सब में बैठ जा, तू बैठ जा ना आराम से। आपके पास सबसे पहला बहुत बहुत जैद करके तो आए हम। हाँ तो गाइस क्या मम्मी जल चढ़ाने चली गई थी, और क्या कहते हैं उसको, ठीक है। तो गाइस और फिर ये सब भीड़ होती गई, भीड़ होती गई, भीड़ होती गई, बाबा भी आ गए, मतलब भीड़ भी हो गई थी ना, तो बाबा भी, बाबा ने भी मेहंदी गंगा में हाथ धो लिए, भगोले बाबा को छू लिया, और सबने अच्छी तरीके से दर्शन कर लिए, और फिर हम आगे बढ़ गए। दो लेडीज बाहर निकलती, इसी सब की यहाँ पे पूजा हो चुकी है, बस
रिकॉर्डिंग करना अलाउड है यहाँ पे, पंडित जी के सामने भगवान जी की फोटो ले ली, कुछ कुछ कोई कह ही नहीं रहा, उधर मैंने ली है सब की लाइन में चलते हुए, कुछ कह नहीं रहा। लकंडी की पूजा हो रही है, जल्दी जल्दी चल लो अब। गाइस यहाँ की तो मंदिर की पूजा हो गई, बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा बस। अब एक और मंदिर जाएंगे, यहाँ पे कैमरा करना अलाउड था, और मुझे मजे आ गए कैमरा करना। ओह गाइस नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन अलाउड नहीं है इसलिए बाहर से देखो, अभी यहाँ भीड़ हो जाती ताकि व्यवस्था सही रहे, भीड़ हो जाती है, भीड़ हो जाती है यहाँ तक तो अभी अभी मतलब अंदर से तो लेना मना है, तो अभी इसलिए बाहर से हमने ऐसे ले लिया। भैरव बाबा का मंदिर आ गए, भैरव बाबा का मंदिर है, चल भीड़ बहुत चलो, गन्ने का जूस चलो मिलते हैं हम आपको होटल पहुंचने के बाद। शिप्रा नदी है ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, और बहुत सुंदर थी जब हमने इसको रियलिटी में देखा था। जब मंदिर से आई थी मैं आके सीरियस सो गई, उसके बाद नहा ली, और हाँ दूसरे दिन नहीं है वही दिन मैं नहाई हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी बहुत थी और फिर हमें मंदिर भी जाना था, तो फिर मैंने बाल धो लिए हैं, ठीक है मैं फिर से सोने जा रही हूँ। ये है इसका बेड, एंड देखो तो यार कितना मस्त है व्यू, व्यू ये मस्त है। अरे तो गाइस ये मैं समझ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक कांच है, और ये पूरा मतलब ये भी कांच ही है, ओह ये फेक पना कर रही है, दिस इज नॉट बेड, ये है जीजी का बेड, मतलब ये सोफा है, ठीक है ये बालकनी टाइप है, इधर मतलब सो सकते हैं, आप सो सकते हैं, मैं शाम के लिए घर ही लूंगी, ठीक है वैसे भी कल ही तो जा रहे हैं, ठीक है तो देखो ये है हमारा बालकनी वैसा, ठीक है ये है मेरी बहन का बेड, और ये है मेरा बेड जो कि बहुत बेकार हो रहा है, और सुनो और गाइस हाँ, और गाइस मैं अभी नहाने जा रही हूँ मतलब मैं नहा चुकी हूँ, ये नहाने जा रही है क्योंकि हम नेक्स्ट मंदिर जा रहे हैं, उसका नाम मैं भूल चुकी हूँ, नहीं मतलब हम उज्जैन आए तो माँ सबसे बड़े मंदिर जा रहे हैं जो उज्जैन में है महाकालेश्वर का, और बस हमें नैप लेके जाना है क्योंकि अभी बज रहे हैं दो बज रहे हैं सारे मंदिर आज, क्योंकि बहुत मज़े आया, और भी मंदिर गए थे पर अम्मा बाबा चले गए थे, हम नहीं गए थे, हम बहुत थक चुके थे, तो एक एक तो मतलब अलाउड ही नहीं था ना भैरव बाबा के मंदिर में कैमरा है ना, तो सोचा यहाँ का व्यू ऐसे ऐसा है कुछ चलेगा चलेगा मिलती हूँ बाद में। ओके मैंने वही बर्थडे ड्रेस पहनी है जो मैं उसके बर्थडे में पहन के गई थी, ठीक है, और ये इसका लुक मम्मी की साड़ी, और अभी हम कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको पता ही है, महाकालेश्वर के मंदिर में जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, हम अभिषेक करने अभी जा रहे हैं, अभी शेक लेके आना मेरे लिए, तो चलो शेक लेके आना मेरे लिए, हाँ तो बस उसी के लिए हम रेडी हो चुके हैं, पापा निकल चुके हैं, भैया निकल चुका है, हम तीनों ही बचे हैं क्योंकि हम तीन लड़कियां हैं, उसकी तो अभी तक जुल्फे भी नहीं कड़ी है, जुल्फे गाइस मतलब पूरे पार्ट का मतलब पूरे रूम का सबसे अच्छा पार्ट ये लगा, खिड़की ओपन और इधर बेड है, इधर इतनी अच्छी फोटोज मैंने खींची है ना कि कुछ कहने की नहीं, छोटी कर छोटी कर ली गाइस।
लेकिन छोटी किया गाइस वाओ। और अम्मा यहाँ पे अम्मा तैयार हो गई हैं। और ये मम्मी का लुक, ये अम्मा का लुक, आई नीड आउटफिट। हम तो रेडी हैं, अब बस हमें चलने के लिए है। चलो अभी तो क्या। और ये चाची का आउटफिट, चलो रूम की की ले ली। अब चलो रूम में। ओके गाइस, तो अभी हम मतलब आ चुके हैं मंदिर से। वहाँ पे ज़्यादा अलाउड नहीं था करना, पर तभी मैं थोड़ी थोड़ी की। और जब भी हम रात को खाने से खाने जाएंगे, तो जब भी मैं अब कैमरा ऑन करने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं सोने वाली हूँ। हम बहुत थक गए हैं, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। महाकालेश्वर की आरती में गाइस, आज तो बहुत ज़्यादा मज़े आ रही है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है मेरे तो प्लीज़ लाइक कर दो प्लीज़ यार। मैंने इससे पहले वाला व्लॉग सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, थोड़ा सा तो लाइक कर, इसके फिर कीमत बताओ। जो भी है मामा जल्दी चलते चलो जल्दी काफी चल ही देते हैं। वो बेचारी इसको देखने के लिए बुला रही थी। मोबाइल शायद लॉकर में रखना पड़ेगा। हाँ गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ पूजा खत्म होने के। ग्यारह बज गए हैं, 15 मिनट हो गए हैं, और अब हम जाएंगे खाना खाने। मैंने तो नहीं खाया, मेरे को ये रहा है वो सुनता। खाना खा के रहूंगी, बहुत भूख लग रही है, थके नींद भी आ रही है। भाई मेरी आधी नींद पूरी हो चुकी है। बाय, सुनो।